नमस्कार, न्यूज अब तक से वरुण शर्मा। और आज जो आप खबर देख रहे हैं वो सतना में दिल दहलाने वाली थी। आज सतना शहर के नगर निगम सीमा के अंदर बने वार्ड नंबर 22 में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब अचानक दोपहर को तालाब का बांध अचानक टूट गया और सैलाब की तरह पानी वार्ड के अंदर घुस गया और 50 से अधिक घरों में पानी इतनी रफ्तार से गया कि 5 से 6 फीट तक तेजी से पानी भरा। लोग तब तक समझ पाते तब तक पानी घरों में घुस चुका था, गाड़ियां सड़क में बह गईं, आनन फानन में लोग अपनी छतों पर चढ़ गए और एक तरह से अपनी जान बचाने के लिए शोर शराबा होने लगा। जैसे ही जिला प्रशासन को जानकारी हुई, तुरंत नारायण तालाब के आसपास जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन मौजूद, पुलिस प्रशासन पहुंच गया और मुस्तैदी के साथ करीब 4 से 5 घंटे तक वहां राहत कार्य चलता रहा। हालांकि अच्छी बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन लोगों का लाखों रुपए का सामान खराब हो गया, कई गाड़ियां डूब गईं जिससे वो गाड़ियां भी खराब हो गईं। लेकिन गनीमत यह रही कि इतने बड़े सैलाब में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे जो स्कूल से कॉलेज से पढ़कर लौट रहे थे, लेकिन ईश्वर ने इन सबकी जान बचाई और जो बच्चे इस धार में फंस गए उनको यहाँ के प्रशासन ने सकुशल बचा लिया। हम बता दें कि यह वार्ड नंबर 22 हवाई पट्टी के पास बना नारायण तालाब शहर के बीचों बीच है और यहाँ पर अभी सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा था। लोग बताते हैं कि ठेकेदार की लापरवाही से ऐसा हुआ है, लेकिन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि अभी यह जांच का विषय है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ कहना संभव नहीं है। अभी भी राहत कार्य चल रहा है, पहले लोगों को सुरक्षित करना ड्यूटी है, उसके बाद इस संबंध में बात की जाएगी। शहर में ही नारायण तालाब है, उसकी पाल थोड़ी सी टूट गई थी, इसके कारण उससे लगा हुआ जो निचला हिस्सा है, उतैली हिस्सा है, वहाँ पर थोड़ा सा पानी का भरा हुआ है, उसको निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी निकल भी रहा है, थोड़ी देर में सामान्य हो जाएगा। अभी क्या स्थिति है वर्तमान में? अभी पानी निकल रहा है, पानी का फ्लो जो भी ऑब्स्टिकल थे वो सभी हटा दिए हैं, पानी नाले में जा रहा है। लोगों घरों में पानी भरा था, क्या था? कुछ घरों में जो निचली बस्तियां हैं वहाँ पर थोड़ा पानी भरा था, लेकिन अब निकल रहा है। सर बताया जा रहा है कि वो बांध पर काम निर्माण कार्य किया जा रहा है, वहाँ पर लापरवाही, वो जाँच का विषय है, अभी पहले पानी निकल जाएगा उसमें देखेंगे, किसी की जिम्मेदारी होगी तो उसकी कार्रवाई करेंगे। जब यह सैलाब बस्ती में घुसा तो पूरे शहर से लोग वहाँ पहुँचे और देखा तो जिस तरीके से पूरा बाढ़ ही तालाब में परिवर्तित हो गया था, लेकिन समय रहते प्रशासनिक सूझबूझ और लोगों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा तो टल गया, लेकिन अब इस हादसे से कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। न्यूज़ अब तक से वरुण शर्मा की रिपोर्ट।